हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्रिलिक मॉडल बनाकर दिखाया था जो कि बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा था। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एक्रिलिक मॉडल को खुद से बना सकते हैं, जैसे कि इसको डिजाइन कैसे कर सकते हैं, इसका स्केमेटिक कैसे बना सकते हैं, साथ ही साथ इसको कैसे प्रिंट करके आप घर पे यूज कर सकते हैं। सो सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो वीडियो को शुरू करने से पहले दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय JLCPCB। यहां पे आप हर तरह के पीसीबी को प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबल पीसीबी को 16 कलर में आप प्रिंट करवा सकते हैं, 1 से लेकर 8 लेयर के पीसीबी को आप फ्री में प्रिंट करवा सकते हैं, साथ ही साथ 1 से लेकर 6 लेयर तक पीसीबी को फ्री में आप असेंबल करवा सकते हैं। सो JLCPCB से पीसीबी ऑर्डर करना बहुत ही सिंपल है। सिंपली आपको गर्वर फाइल को अपलोड कर देना है। गर्वर फाइल अपलोड हो जाने के बाद सिंपली आपको सेव टू कार्ड पे क्लिक कर देना है। वंस आपने सेव टू कार्ड कर लिया तो आपको सिंपली सिक्योर चेकआउट कर देना है और पेमेंट को कर देना है, और एक वीक के अंदर आपके घर में आपका पीसीबी हो जाएगा। तो चलिए इसका डिजाइन सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें इजी ईडी ओपन करना है, यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और उस प्रोजेक्ट का नाम देना है। जैसे कि आप हम बना रहे हैं 5 वोल्ट रिले, तो मैं 5 वोल्ट रिले डाल देता हूँ। तो ये रहा हमारा इजी ईडी का इंटरफेस, जहाँ पे हम इसका जो स्केमेटिक है सबसे पहले बनाएंगे, क्योंकि पीसीबी बनाने से पहले हमें सबसे पहले इसका स्केमेटिक बनाना होता है। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए तो मैं सिंपली डिलीट कर देता हूँ। तो सिंबल के लिए आप सिंपली यहाँ पे लाइब्रेरी पे क्लिक कर दीजिए, और जो भी सिंबल आपको चाहिए आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ BC547 ट्रांजिस्टर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको फोटो भी दिख रहा है। सो सिंपली इसको प्लेस कर लेंगे तो इसका जो सिंबल है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। सो मैं और एक सिंबल आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ 1N4007 डायोड। सो जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, सो यहाँ पे बहुत सारे लिस्टेड हुए डायोड के वो आ जाएंगे। साथ ही साथ आप इमेज देख के भी कन्फर्म करवा सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो आपको चाहिए या नहीं। तो सिंपली इसको भी मैं प्लेस कर लेता हूँ। साथ ही साथ जितने भी कंपोनेंट्स हमें चाहिए मैं एक एक करके सबको यहाँ पे ले आता हूँ। सो अब हमारे जितने भी कंपोनेंट्स मुझे चाहिए थे सब मैंने यहाँ पे ले आया हूँ। तो इनको मैं स्कीमेटिक के हिसाब से अरेंज कर लेता हूँ। सो कंपोनेंट्स को कनेक्ट करना बहुत ही इजी। यहाँ पे ऊपर आपको वायरिंग टूल मिल जाएगा, सिंपली वहां पे क्लिक करके आप कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। तो मैं फटाफट से सारे कंपोनेंट को कनेक्ट कर देता हूँ सर्किट डायग्राम के हिसाब से। तो अब हमारे रिले मॉड्यूल का स्केमेटिक डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। सो वंस आपका स्केमेटिक कंप्लीट हो जाने के बाद आपको सिंपली इसको सेव कर देना है। फिर सेव हो जाने के बाद आपको इसको पीसीबी में कन्वर्ट करना है। सो उसके लिए आपको डिजाइन में जाना है, फिर कन्वर्ट स्केमेटिक टू पीसीबी में क्लिक करना है। सो जैसे आप वहां पे क्लिक करते हैं तो आपको एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, जहां पे कि सारे कंपोनेंट्स के फुटप्रिंट आपको दिखाई देंगे। सो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स का फुटप्रिंट आ चुके हैं। सो अब हमें इसको अपने हिसाब से डिजाइन करना है, जैसे कि सारे कंपोनेंट्स को एक एक सारे कंपोनेंट्स के फुटप्रिंट को एक एक करके हमको रीअरेंज करना है अपने हिसाब से। पर ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने पीसीबी को कैसे डिजाइन करना चाहते हैं और कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे रखना चाहते हैं। तो अभी यहाँ पे एक दिक्कत है कि यहाँ पे R1, R2, R3 इन सब का रजिस्टर का वैल्यू मेंशन है, जिससे कि जब हम इसको प्रिंट करवा देंगे तो हमें असेंबल करते टाइम दिक्कत होगा। अभी हमें ये नहीं पता है कि R1 का वैल्यू क्या है, R2 का वैल्यू क्या है। सो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्केमेटिक को, और यहाँ स्केमेटिक में आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा रजिस्टर का वैल्यू कितना है। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं R2, R1, R3 का वैल्यू मेंशन है। तो सिंपली मैं यहाँ पे सबका जो वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे कि जब हम इसको असेंबल करेंगे तो मेरे लिए ईजी रहेगा। तो फाइनली मैं सब कुछ इसमें बना चुका हूँ। सो अभी आप देख सकते हैं कि अभी जो हमारा पीसीबी का जो बोर्ड आउटलाइन है बहुत ही बड़ा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। सो इसको हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं, इसको सिंपली हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हैं, पर वो हम नहीं करेंगे। सिंपली जो एग्जिस्टिंग जो हमारा जो बोर्ड आउटलाइन था उसको मैं डिलीट कर दूंगा, फिर यहाँ पर टूल में जाके सेट बोर्ड आउटलाइन जाके क्लिक कर दूंगा, जैसे कि एक नया बोर्ड आउटलाइन क्रिएट हो जाएगा जो कि और भी छोटा होगा। बॉर्डर आउटलाइन क्रिएट हो जाने के बाद अब इसमें मैं होल्स ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि हमारा जो रिले मॉड्यूल है हम किसी के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। के लिए मैं यहाँ पे M3 साइज का होल ऐड कर देता हूँ। तो
तो सब कुछ फाइनल हो जाने के बाद सिंपली हमें इसको रूट कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ सक्सेसफुली मैंने रूट करवा लिया। रूट करने के लिए आपको सिंपली रूट पे क्लिक करके ऑटो रूट पे क्लिक कर देना है, जिससे कि ये ऑटोमेटिकली सारा जो रूटिंग प्रोसेस है वो कर लेगा। सो फाइनली अब हमारा जो पीसीबी वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसका हम 3D व्यू देख सकते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि हमारा पीसीबी जब प्रिंट होकर आएगा, जब इसको हम असेंबल करेंगे तो हमारा पीसीबी कैसे दिखेगा। सो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारा जो पीसीबी है उसका 3D व्यू लोड हो चुका है। सो आप देख सकते हैं हमारा जो रिले मॉड्यूल कितना कॉम्पैक्ट बना है, लग ये रहा है कि इसको हमने मार्केट से परचेस किया है। अब इसका डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऐड करके आप देख सकते हैं कि आपका पीसीबी को कौन सा कलर सूट करता है। तो आप अपने हिसाब से इसका जो कलर है उसको भी चेंज कर सकते हैं। सो वंस आप सब कुछ फाइनल कर देने के बाद आपको सिंपली पीसीबी को सेव कर देना है। फिर उसके बाद जनरेट गर्वर फाइल पे क्लिक कर देना है और गर्वर फाइल को आप जनरेट कर सकते हैं। फिर उसको आप जेलसिम पीसीबी से इसको ऑर्डर कर सकते हैं।